देखिए डिप्रेशन, डिप्रेशन के मतलब होता है अवकलन। अवकलन कैसे करते हैं? अवकलन करते हैं तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए एक्स, एक्स के पावर कितना है? 10। एक्स के पावर कितना है? 10। तो सबसे पहले अगर हम अवकलन करते हैं तो जो पावर होते हैं वह सीधे गुणांक में आ जाते हैं, एक्स का गुणांक में आते हैं। तो एक्स का गुणांक में आते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 10। 10 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक क्या करेंगे, जो पावर है उसमें हमेशा एक कम करेंगे, हमेशा एक कम करेंगे। तो इसका पावर कितना हो जाएगा? 10 एक्स के पावर 9। यही आपका है अवकलन, यही डिफ्रेशन है। देखिए कह रहे कि एक्स के पावर 9, इसका अगर हम अवकलन करते हैं, डिफ्रेशन इनका निकालते हैं, तो ये क्या है, ये 9 को क्या करेंगे, सीधे गुणांक में लाएंगे। तो 9 एक्स और उनका पावर एक कम कर देंगे, एक कम करेंगे तो अगर 9 है तो 8 हो जाएगा, अगर 7 है तो 6 हो जाएगा, अगर 5 है तो 4 हो जाएगा, अगर 3 है तो 2 हो जाएगा, एक कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 एक्स के पावर कितना हो जाएगा? 8। यही है देखिए अवकलन। देखिए कह रहे कि एक्स के पावर 4/6, अगर एक्स के पावर 4/6 है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे तो पावर में लाएंगे, गुणांक में लाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 4/6 आई कम करेंगे, 4/6 माइनस में एक करेंगे, बाटा पके क्या करेंगे, घटाओ कर देंगे, 4/6 एक्स हो जाएगा, एक छः के लघुतम 6 हो जाएगा, भागा देंगे 4 × 4 फिर 6 × 6 कितना हो जाएगा, 4/6 एक्स हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 अब बाटा में कितना हो जाएगा, 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए आगे, अब कोई दे देगा कि 6x³, अगर कोई कहेगा कि इनका अवकलन करिए, तो अवकलन हम कैसे करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जो गुणांक है आप पावर है उनको गुणा करा देंगे, 6³ कितना हो जाएगा, 18, एक्स के पावर कितना हो जाएगा, एक कम कर देंगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 2। और फिर आगे देखिए, अगर दे देगा 9x² तो इसका क्या कर, गुना करेंगे, 9 × 2 कितना होता है, 18, एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 1, तब एक लिखा नहीं जाता, एक छिप जाता है। अब इसका आगे देखिए क्या करेंगे हम, अब दे दिया 7x⁵। इनका अगर हम अवकलन करते हैं तो क्या करेंगे, पावर गुणांक, पावर को गुणांक, गुणा जो है पावर में गुणांक है उनको गुणा करा देंगे, 7/5 कितना हो जाएगा, 35, 7/5 कितना हो जाएगा, 35, आई इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर है ना। आगे अगर चल रहे हैं तो कोई कह देगा 4x³ का इसका क्या करिए, अवकलन करिए, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12, एक कम कर देंगे पावर को तो कितना हो जाएगा, 2, तो 12x² हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12x², यही है अवकलन।